हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है। ये चारों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के, और इसका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब। एक मेगा ऑफर है सबके लिए, अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इसका मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है। और एक ऑफर है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये हर कोई कोर्स कर सकता है जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, जो और अपना स्टडी इम्प्रूव करना चाहता है, सबके लिए है। तो ये एक मेगा ऑफर है सभी के लिए। तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सभी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो अकाउंट होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके और आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 4 नवंबर 2020, वेनसडे है, सुबह के 8:29 हो रहे हैं। यूएस में वोटिंग खत्म हो चुकी है, अभी काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है वोलेटाइल मार्केट देखने को मिले। कल हमने देखा वोटिंग से पहले एक तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली थी, हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में भी हमें तेजी कल देखने को मिली थी काउंटिंग से पहले। तो आज रिजल्ट्स आने के पहले हो सकता है एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिले और उसके बाद हमें एक ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये पिक्चर है कल का, यानी 3 नवंबर आफ्टर मार्केट आरसी पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,727। हमने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, बेयरिश टू बुलिश, ए डबल बॉटम फॉर्मेशन, राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन हमने देखा था, डब्ल्यू पैटर्न। उसके बाद निफ्टी इंडेक्स कल ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ और उसके बाद फर्स्ट टारगेट 11,744, सेकेंड टारगेट 11,759, ये भी अचीव हुआ और इसी के ऊपर लगातार पूरा दिन ये ट्रेड करते रहा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते हो तो अराउंड 21 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। यूएस मार्केट में कल देखे तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी काउंटिंग से पहले, नासडैक करीब 200 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छे खासे हरे निशान में बंद हुए। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, हालांकि जापानीज इंडेक्स 330 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो अभी फिलहाल हरे निशान में ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। काफी वोलेटाइल मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चार्ट की अगर हम बात करें, अगर 5 मिनट के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो काफी वोलेटाइल, ये देखिए यहाँ पर काफी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आज का भी क्रूशियल डे होगा, वन साइड पोजीशन बनाना, लॉन्ग पोजीशन बनाना काफी दिक्कत भरा हो सकता है। तो हो सकता अगर हो पाएगा तो ऑप्शंस में डबल लेग के साथ स्ट्रैटेजी बनाकर काम करें तो काफी फायदेमंद हो सकता है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में अगर पैटर्न देखें तो कल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है, इसके प्रीवियस डे यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के बीच में ट्रेड हुआ था, उसके बाद इसका अपवर्ड ब्रेकआउट कल हमें मिल गया। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, जो कि पीवट बार रिवर्सल पैटर्न है। अगर मैं इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो इसका हाई लो और क्लोज, ये तीनों भी प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज के ऊपर है,
और एक डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा पैटर्न देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर ये कल के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है, यानी 11,836 के ऊपर आर्ली चार्ट में या हाफ एन आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है, तो और यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज फर्स्ट आज के लिए सपोर्ट होगा 11,733, जो कि ये पिंक लाइन 20 EMA का पिंक लाइन है, ये फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो ही फिर से निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज बुलिश यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। टू आर्ली चार्ट में देखे तो कल हमने यहाँ पर ये W पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद ये ज़बरदस्त तेज़ी हमें यहाँ पर कल दिखाई दी थी। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स कल का ये जो हाई है, इसी के पास ये काफ़ी टाइम ये यहाँ पर पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को। तो यहाँ पर 11,836 को अगर कंफर्टेबली निफ्टी इंडेक्स ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,853, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,871, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो पीवट पॉइंट के नीचे ये यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा बेयरिश कैंडल था कल, इसका लो 11,774 अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,761, एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जो कि 50 EMA का फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट है 11,747, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।